दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है कि मान लीजिए हमारे पास OH NH माइनस CH3 NO2 बेंजीन रिंग और गाइस हमारे पास हैलोजन है। पहला सवाल है, इनमें हमको ऐसी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कंफर्म करना है जो हमने पहला कंसेप्ट जाना था, वो कि कहाँ पर ऐसी रिएक्शन तेज होगी कहाँ पर स्लो होगी। तो बैक टू आवर कंसेप्ट, हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी के केस में हमको ये देखना है बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है। जहां पे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी आएगा। अब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होते हैं, जब उस पर कौन लगे होते हैं बच्चों, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग की पहचान क्या है, लोन पेयर या फिर एल्किल ग्रुप। और अगर डीएक्टिवेटिंग है तो रिएक्शन तेज हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों OH है, OH एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, रिएक्टिविटी तेज करेगा। NH एक्टिवेटिंग है तेज करेगा, CH3 एक्टिवेटिंग है तेज करेगा, NO2 डीएक्टिवेटिंग है कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे Cl है, Cl इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा, तो ये रिएक्शन को स्लो करेगा। तो आप समझ सकते हैं कहाँ पे रिएक्शन तेज है और कहाँ पर स्लो है। सो दैट मीन्स 1, 2 और 3 में रिएक्शन तेज होगी और हमारा 4, 5 में थोड़ी सी कम होगी और 4 एंड 6 में कम होगी। अब सवाल ये आता है भाई 1, 2, 3 में किस में ज़्यादा होगी। तो गाइज इसमें फिर अब हमको इनकी रेजोनेंस और इंडक्टिव को देखना होता है। OH का प्लस एम होता है, यस, बट माइनस आई भी होता है। NH का प्लस एम है और प्लस आई है। बच्चों माइनस चार्ज वाले हर ग्रुप का प्लस आई होता है, तो ये रेजोनेंस से भी दे रहा है और इंडक्टिव से भी दे रहा है, और इसका सिर्फ प्लस आई और प्लस एच है। आई गेस अब आप लोग बड़े आसानी से पहचान सकते हैं किस में ज्यादा होगा। सेकेंड वाले में रेजोनेंस भी मिल रहा है और स्ट्रांग रेजोनेंस, क्योंकि NH2 का प्लस एम बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसमें स्ट्रांग रेजोनेंस भी और प्लस आई भी है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। प्लस वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, माइनस वाले लेते हैं। तो 2 में बहुत ज्यादा रिएक्शन होगी, फिर 1 में होगी, और फिर 3 में तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के कारण थोड़े बहुत ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये हमारा हो गया, फिर 5 हो गया। अब बचता है 4 और 6 में। 4 और 6 में कहाँ पर होगा, तो गाइज NO2 का होता है माइनस आई माइनस एम, दोनों दोनों से ही बेचारा इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन पूरे खा जा रहा है। और हैलोजन में माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन खत्म होते हैं और थोड़ा सा तो प्लस एम के कारण, बट प्लस एम इज वीक, माइनस आई स्ट्रांग। सो हैलोजन माइनस आई से इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है और NO2 माइनस आई माइनस एम दोनों से। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होंगे हमारे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 4 में ज्यादा कम होंगे और 6 में रिलेटिवली उतने कम नहीं है, तो थोड़ी बहुत रिएक्शन है। ओवरऑल ऐसी रिएक्शन की गाइज रिएक्टिविटी हमारी ये रहेगी। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना है, एक बहुत बढ़िया सवाल जिसमें हमको पहला कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं जिसमें कि हम लोग ओरिएंटेशन की बात करते हैं। चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो गाइस सेकेंड प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इन कंपाउंड्स पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं, इन कंपाउंड्स पे अगर हम ऐसी रिएक्शन करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल किस पॉइंट पे आकर के अटैक करेगा। सो दैट मीन्स बच्चों मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम इन कंपाउंड्स के ऊपर ऐसी रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे तो किस पॉइंट पे हमारा रिएक्शन को होगी, किस पॉइंट पे हमारी रिएक्शन होगी। तो आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले वाले सवाल में अगर हम देखें तो हमारी बेंजीन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल और क्लोराइड। मिथाइल ऑर्थोपैराडाइटिंग होता है, क्लोरीन भी ऑर्थोपैरा होता है, बट क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग, मिथाइल इज एक्टिवेटिंग। हम एक्टिवेटिंग की बात मानते हैं अगर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, हम तो एक्टिवेटिंग की बात मानेंगे, हम मिथाइल के ऑर्थो पे हम जाएंगे। यहाँ पे सेकेंड केस में क्या है, एक एक्टिवेटिंग है एक डीएक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग ये एक्टिवेटिंग किसके हिसाब से चलते हैं, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग में हम एक्टिवेटिंग की बात मानते हैं, उसके ऑर्थोपैरा पे हम आएंगे। यहाँ पे लगाओ बोथ आर सेम। थर्ड वाले में क्या है, एक एक्टिवेटिंग है एक डीएक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग है ये एक्टिवेटिंग है, तो ऐसे में हमको एक्टिवेटिंग की बात माननी है। भाई CH3 कहाँ लाएगा, अपने ऑर्थो पैरा पे, यहाँ पे हम भाई ग्रुप को लेकर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड केस में आते हैं, ये एक्टिवेटिंग है और ये हमारा एक्टिवेटिंग है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। गाइज यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड है तो इसलिए हमने इसको डीएक्टिवेटिंग कहा, एक्टिवेटिंग कहा, हमने एक्टिवेटिंग के ऑर्थो पैरा पे लेकर के आए। गाइज यहाँ पर ये एक्टिवेटिंग और ये भी एक्टिवेटिंग, अगर 2 एक्टिवेटिंग होते हैं तो ऐसे में हम कहाँ पे जाते हैं, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग वाले के पास जाते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, प्लस एम है, CH3 के प्लस सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, हम लोन पेयर वाले की बात करेंगे। और लोन पेयर वाला कहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, और इसमें मेजर वाला बच्चों कहाँ पर होगा, यहाँ पे, ठीक
ठीक है, इसके हिसाब से हम चलेंगे और वो यहाँ पे हमारा आएगा ऑर्थो पैरा पे। पैरा वाला ज़्यादा है क्योंकि पैरा वाले पे प्लस एम हाई है और माइनस आई लेस है ना। पैरा पे ऑर्थो पैरा पे प्लस एम तो सेम मात्रा में ही होता है, बट इंडक्टिव मेटा पे पैरा पे कम होता है, तो इसीलिए इंडक्टिव का असर बैड इफेक्ट कम है और रेजोनेंस का पॉजिटिव इफेक्ट भी अच्छा है ये चीज़। चलिए यहाँ पर आते हैं, सी ओ बेंजीन से सी ओ भी अटैच है, ओ भी अटैच है। ओ का प्लस एम एक्टिवेटिंग इफेक्ट, सी ओ का माइनस एम डी एक्टिवेटिंग इफेक्ट। हम एक्टिवेटिंग के हिसाब से जाएंगे और एक्टिवेटिंग अपने ऑर्थो और पैरा पे लेके आएगा। ये ऑर्थो ये पैरा है, हमने बताया था आपको ओ एच ओ आर एन एच टू में पैरा वाला ज़्यादा बेटर होता है, तो हम यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ पर आते हैं, ओ ही अटैच है बेंजीन से, सी ओ नहीं अटैच है, सी ओ तो दूसरी तरफ है। ओ कहाँ पर लेके आएगा, अपने ऑर्थो पैरा पे, और पैरा वाला ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वहाँ प्लस एम अच्छा है और माइनस आई का बैड इफेक्ट भी कम है। ओ एम ई और एम ई की बात करें, ओ एम ई भी एक्टिवेटिंग, एम ई भी एक्टिवेटिंग, तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, अगर दोनों एक्टिवेटिंग है तो जो ज़्यादा डी एक्टिवेट, जो ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, जो ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है हम उसके हिसाब से चलेंगे। और ज़्यादा स्ट्रांग कौन एक्टिवेटिंग होगा यहाँ पर, भाई ओ एम ई का प्लस एम है और इसका सिर्फ बेचारे का प्लस हाइपर कंजुगेशन ही है, रेजोनेंस ज़्यादा स्ट्रांग होता है हाइपर कंजुगेशन, तो हम ओ एम ई के ऑर्थो पैरा पे आएंगे। ठीक है, ऑर्थो पे ही आएंगे क्योंकि पैरा तो ब्लॉक है। ये हमारी दोस्तों यहाँ पर बातें हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सो गाइस, हमको एक बहुत बेहतरीन एक सवाल देखने को मिलता है और ये सवाल मैंने खुद से ही बनाया हुआ है। और इस सवाल में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए रिएक्शन होती है, दोस्तों अगर मान लीजिए हमारी ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन किस पॉइंट पे होगी। अगर हम इस मॉलिक्यूल पे एक इलेक्ट्रोफाइल छोड़ देते हैं इन एनी रिएक्शन, मे बी नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रेडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हम इस पर कोई भी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन हम करा दें अगर इस पर, वो ऐसी रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं, बट इन एनी केस अल्टीमेट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हाइड्रोजन हटा के लग जाएगा, तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि भाई इतनी सारी बेंजीन रिंग है, किस बेंजीन रिंग को चूज करें और किस बेंजीन रिंग के किस पॉइंट पे अटैक करें, बड़ा बेहतरीन सवाल आ जाता है। दोनों कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो बच्चों देखिए, पहले तो ठंडे दिमाग से आप ये समझिए, भाई चार चार बेंजीनिंग है, इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीनिंग को पसंद करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जहां पे कौन लगा होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एकदम बच्चों आपके सामने क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पे क्लोरीन तो डीएक्टिवेटिंग है, सी एच ओ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, पोलर पाई बॉन्ड है हमारा, वहाँ पे माइनस एम है, ये माइनस एम के कारण डीएक्टिवेटिंग है, माइनस आई के कारण डीएक्टिवेटिंग है, और ओ एम ई प्लस एम के कारण क्या है, एक्टिवेटिंग। तो अगर बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो बेंजीन रिंग ज़्यादा एक्टिव होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमला होगा, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग को पसंद करेगा। और इस बेंजीन में भी अब सवाल आता है कहाँ पे, तो बच्चों ओ एम ई क्या होता है, ऑर्थो पैरा डाइट्रिंग होता है, तो इसके ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और ऑर्थो पैरा में भी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, मैंने बताया एन एच टू ओ आर, एन एच टू ओ एच ओ आर में पैरा ज़्यादा बढ़िया होता है और एल्काइल ग्रुप में ऑर्थो ज़्यादा बढ़िया होता है, ऐसे एक्टिवेटिंग का फंडा है। ठीक है, एन एच टू ओ एच ओ आर और हैलोजन को भी आप ले सकते हैं क्योंकि इनमें माइनस आई के कारण ओवरऑल पैरा ज़्यादा बेहतरीन होता है और हेलोज और एल्किल ग्रुप के केस में बच्चों ऑर्थो ज़्यादा बढ़िया होता है। मैं आपको इसको लिख भी देता हूँ, एन एच टू ओ एच ओ आर, ठीक है, ये सब एक्टिवेटिंग है और बट इनमें ऑर्थो पैरा में पैरा पे अटैक मेजर होता है। हैलोजन भी हमारा इसी में ही है बट वो डीएक्टिवेटिंग है, बट उसमें भी ऑर्थो पैरा पे ही आता है, बट पैरा वाला हमारा मेजर है बट ये डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, और हमारा जो अल्काइल ग्रुप होता है वो एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा पे ग्रुप आएगा लेकिन कहाँ पे ज़्यादा आएगा, ऑर्थो वाला मेजर होता है। ठीक है, तो अब इसमें सवाल हमारे सामने एकदम टूट गया है। पहले तो इन चारों में सबसे बेहतरीन रिंग ये होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इसके भी कहाँ पे हम आएंगे, ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा दोनों ही सब खाली हैं, और इसमें कौन सी ज़्यादा पसंदीदा होती है, एन एच टू ओ एच ओ आर में पैरा ज़्यादा मेजर होती है। सो हमारी प्रिफर्ड साइट दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल की ये वाली साइट होगी, विच इज़ पैरा टू ओ एम ई। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही करते हैं, पार्ट वन पार्ट टू में वीडियोस हैं, पहले में आपको थ्योरी है, दूसरे में आपके पास सवाल है। बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, मेरी पूरी बेस्ट विशेज है आपकी इनकमिंग एग्जाम के लिए, आईआईटी जेईई नीट एग्जाम के लिए, और आगे भी हम लोग इस जीओसी में और जीओसी सीरीज में आपको और वीडियोज़ में और कंसेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।